2050 में दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कौन सा होगा? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इस्लाम, बी ईसाइत, सी बुद्ध मत और डी यहूदियत। दुरुस्त जवाब इस्लाम। किस जानवर पर सांप का जहर असर नहीं करता? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए घोड़ा, बी नेवला, सी शेर और डी बकरी। दुरुस्त जवाब नेवले पर। जहन्नम में जाने वाली की उम्र कितनी होगी? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 19, बी 23, सी 33 और डी 35। दुरुस्त जवाब 33 होगी। क्या दिल में कुफ्रिया कलिमात का आने से इंसान काफिर हो जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जी हाँ, बी जी नहीं, सी हराम है और डी सख्त गुनाह है। दुरुस्त जवाब जी नहीं। किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना हलाल है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मछली, बी बकरी, सी ऊंट और डी बटेर। दुरुस्त जवाब मछली का। मोमिन के दिल का सुकून किसे कहा गया? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नमाज, बी सदका, सी रोज़ा और डी जिक्र इलाही। दुरुस्त जवाब जिक्र इलाही को। खाना काबा की ऊंचाई कितने मीटर है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5, बी 15, सी 25 और डी 35। दुरुस्त जवाब 15 मीटर है। दज्जाल कितने दिन दुनिया में रहेगा? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 29, बी 60, सी 73 और डी 40। दुरुस्त जवाब 40 दिन। ख्वाब में क्या चीज देखना इंसान के जन्नती होने की निशानी है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए शादी, बी बिल्ली, सी वजू और डी तलाक। दुरुस्त जवाब वजू को। ख्वाब में किसी को वजू करते हुए देखो तो ये उसके जन्नती होने की निशानी है। इमाम इबन सीरी फरमाते हैं इससे मुराद ये है कि उसका काम पूरा होगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप फरमा रहे थे मैं सोया हुआ था, मैंने अपने आप को जन्नत में देखा। एक महल के करीब एक औरत वजू कर रही थी। मैंने पूछा ये महल किसका है? उन्होंने कहा उमर का। मुझे तुम्हारी गैरत याद आ गई और मैं वापस चला आया। उमर रोते हुए अर्ज़ करने लगे अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या आप पर मैं गैरत करता? हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु किसके ग़ुलाम थे? आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अबू जहल, बी उमैया बिन खल्फ,
सी उतबा और डी अबू लहब। दुरुस्त जवाब उमैया बिन खल्फ के। किस सहाबी के कबूल इस्लाम के लिए हुजूर ने दुआ मांगी थी? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और डी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। दुरुस्त जवाब हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के। कुरान मजीद में फतेह मुबीन किसे कहा गया? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए गज़वे उहद, बी गज़वे अबवा, सी सुलह हुदैबिया और डी गज़वे बदर। दुरुस्त जवाब सुलह हुदैबिया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दो, बी तीन, सी चार और डी आठ। दुरुस्त जवाब आठ फरिश्तों ने।